everyone, in this video we are going to discuss a new chapter known as Laplace transform. So इस chapter को समझने से पहले हम समझते हैं इसके बारे में, ये क्या है, किसने हमें ये दिया, ठीक है. So introduction पहले इसका जानते हैं. In this chapter we shall consider some new aspect of a very important technique known as Laplace transform. The transform is an efficient method for solving certain type of differential and integral equations and have a number of close connection with many branches of mathematics and physics. Okay, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम लोग कई अलग अलग तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अब किसने दिया था हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म? पियरी साइमन डी लाप्लास, ठीक है. इन्होंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था. पॉपुलरली नोन एज न्यूटन ऑफ फ्रांस, ये नोन माने जाते हैं कि ये न्यूटन हैं फ्रांस के. ओके, डिफाइन द ट्रांसफॉर्म बाय द इक्वेशन. इन्होंने ट्रांसफॉर्म को एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एक इक्वेशन से डिफाइन किया था कि Fs = 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st FT/DT. ओके, ये इक्वेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है. इंडिकेटिंग एज अ ट्रांसफॉर्मिंग वन क्लास ऑफ फंक्शन इनटू अनदर. ये जो इक्वेशन है वो बताती है कि एक क्लास ऑफ फंक्शन को हम दूसरे क्लास ऑफ फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. द फंक्शन FT इज़ रिप्लेस्ड बाय द फंक्शन FS. एक फंक्शन FT है वो किस में रिप्लेस हो रहा है? FS में. The advantage in the operation is that under certain circumstances it replaces complicated function to a much simpler known function. लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिंपलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. ओके, अब पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है. अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लेट FT बी अ फंक्शन ऑफ T. मान लीजिए कि FT है T का फंक्शन, ठीक है. लेट FT बी अ फंक्शन ऑफ T डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ T. ओके, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज डिनोटेड बाय FS. लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग किसका निकाले? FT का. सो उसे किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल FS से. इज डिफाइंड एज लाप्लास ऑफ FT. देखिए लाप्लास को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं और उसे क्या कहते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. L को क्या कहेंगे? कैपिटल L को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. सो लाप्लास ऑफ FT = FS. ये किसके इक्वल हो गया? अभी मैंने आपको बताया कि FS किसके इक्वल होता है? 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st FT/DT. ओके, सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. ओके, आप क्वेश्चंस को इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो इसे आपको लर्न करना है. वेयर S, यहाँ पर जो S है इज़ द पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जो S है वो एक पैरामीटर है जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ओके, The process of finding Laplace transform is called Laplace transformation. जो process होता है Laplace transform को find करने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Laplace transformation कहते हैं. Okay? The function FS is known as generating function. FS small FS को हम लोग generating function कहते हैं. And the function FT capital FT is नोन एज डिटरमाइनिंग फंक्शन. FT को डिटरमाइनिंग फंक्शन कहते हैं और FS को, स्मॉल FS को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं. ओके, अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है. पहला पॉइंट क्या है? द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन FT, GT, HT आर डिनोटेड बाय स्मॉल FS, स्मॉल GS, स्मॉल HS रिस्पेक्टिवली. ओके, कैपिटल में दिया है तो उसे स्मॉल से डिनोट करेंगे. The symbol L is called the Laplace transformation operator. मैंने आपको भी पहले बताया था कि कैपिटल L को क्या कहते हैं? Laplace transformation operator. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. तो थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? If Laplace of FT is equals to FS The FT is called the inverse Laplace transformation of Fs. अगर Laplace of FT Fs के equal है, the FT is called, तो FT को क्या कहेंगे? Inverse Laplace transform of Fs. That is FT capital FT is equals to inverse Laplace of Fs. Okay? अब देखिए रिमार्क है. रिमार्क में क्या दिया है? सम ऑथर्स यूज डिफरेंट वेरिएबल्स सच एस पी और एक्स इन प्लेस ऑफ एस. एस की जगह पर, यहाँ पर एस है, सो एस की जगह पर कुछ बुक्स में आपको पी भी मिलेगा या फिर एक्स भी लिखा जा सकता है. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चेंज आ गया, ये क्या हो गया. सम यूजेस स्मॉल एफ इन प्लेस ऑफ कैपिटल एफ, और कुछ ऑथर स्मॉल एफ यूज़ करते हैं कैपिटल एफ की प्लेस पर. ओके, जैसे कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी. जो यहाँ रहेगा वही यहाँ फंक्शन रहेगा. ठीक है, यहाँ पर एफ टी है, सो यहाँ एफ टी आ गया इक्वल्स टू एफ एस है. ठीक है, ये हमने बात कर चुकी है. अब देखिए और इसको कैसे लिख सकते हैं. लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी, मैंने कहा ना कि लाप्ला कैपिटल एफ को स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं. तो कैपिटल एफ को यहाँ पे स्मॉल एफ से लिख दिया. ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ये तो सेम है. फिर यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, स्मॉल एफ टी है, सो यहाँ पर स्मॉल एफ टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा. ये किसके इक्वल हो गया? कैपिटल एफ एस के. ओके, क्लियर. एंड लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एफ टी डी टी. मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था कि आप एस की जगह पर पी भी लिख सकते हैं या तो एक्स भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो हमने यहाँ पर पी लिख दिया, सो यहाँ पर आ गया एफ पी. फिर ऐसे ही लाप्लास ऑफ एफ टी, यहाँ पर एस की जगह पर एक्स रख दिया. ओके, अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. इस वीडियो में हम 4 एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे और ठीक है, उसके बाद अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा हो, कुछ सीख पा रहे हो आप, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ओके, अब देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल में क्या दिया है? फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन. हमें किसका लाप्लास निकालना है? टी की पावर एन का निकालना है. सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला. मैंने आपको पहले बता दिया लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है. ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये आपको याद रखना है. सो ये होता है. ठीक है, अब यहाँ पर एफ टी की जगह पर क्या दिया है? टी की पावर एन. सो यहाँ पर लाप्लास हमने लिख लिया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टी की पावर एन. ये इक्वल हो जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ये एज इट इज़. और यहाँ एफ टी की जगह पर क्या है? टी की पावर एन. सो यहाँ टी की पावर एन लिख दिया, डी टी हो गया. ओके, अब हम क्या लेट कर लेते हैं कि एस टी किसके इक्वल हो गया? एक्स के इक्वल. एस टी इज इक्वल्स टू एक्स. सो क्या हो गया? टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एस. ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, सो डिवाइड में चला गया, मतलब एक्स अपॉन एस हो गया. अब देखिए एस डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. एस टी इक्वल्स टू एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया. ओके, सो यहाँ आ गया एस डी टी इक्वल्स टू डी एक्स. ओके, सो डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एस. अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे. देखिए टी की जगह पर क्या है? एस एक्स अपॉन एस. सो हमने सब चीज़ वैसे ही लिखी, बस यहाँ ई की पावर एस टी था, सो एस टी क्या हमने माना है? एक्स माना है. सो ई की पावर माइनस एक्स हो गया, माइनस वहीं माइनस था ना साथ में, सो यहाँ माइनस और एस टी की जगह पर एक्स आ गया. अब टी की जगह पर क्या लिख रहे हैं? एक्स अपॉन एस. तो टी की जगह पर एक्स अपॉन एस लिख दिया. पावर इसकी एन थी, सो एज इट इज़ एन लिख दी. अब देखिए डी टी था, सो डी टी हमारा क्या आ रहा था? डी एक्स अपॉन एस. डिफ्रेंशिएट करने पर डी एक्स अपॉन एस आ रहा था, सो डी एक्स अपॉन एस लिख लिया. अब लाप्लास ऑफ टी की पावर एन किसके इक्वल हो गया? वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन. देखिए ये कैसे आया? यहाँ पर एस की पावर एन दी है और यहाँ पर एक एस दिया है, सो एस की पावर एन यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा और यहाँ पर एक और एस है, सो एस की पावर एन प्लस वन हो गई. ओके, अब ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ लिख दिया. एक्स की पावर एन है, सो हमने एक्स की पावर एन लिखा, फिर डी एक्स लिख दिया. ओके, x की पावर n dx लिख दिया। अब देखिए गामा फंक्शन आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, गामा फंक्शन। ओके, सो देखिए गामा n प्लस वन क्या होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n dx होता है, ठीक है, या फिर x की पावर n प्लस वन माइनस वन dx। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n में प्लस वन कर देंगे और माइनस वन कर देंगे। सो ये क्या बन गया हमारा, गामा n प्लस वन बन गया। सो अब हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन, ज़ीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स, ये लिख लिया हमने। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, गामा n प्लस वन लिख रहे हैं। सो लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू गामा n प्लस वन अपॉन एस की पावर n प्लस वन। ओके, s की पावर n प्लस वन एज इट इज़ डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस पूरे की जगह पर क्या हो गया, गामा n प्लस वन आ गया। ओके, यहाँ पर n जो है वो माइनस वन से बड़ा है, ठीक है। जब n माइनस वन से बड़ा रहे, मतलब कि जब डिवाइड में जैसे कोई रेशनल नंबर रहे, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, और जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रहे, मतलब कि ज़ीरो वन टू थ्री फोर ये सब आए, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। यहाँ पर s क्या है, बड़ा है ज़ीरो से। ओके, क्लियर। सो ये अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। लाप्लास ऑफ जो t की पावर n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल s की पावर n प्लस वन आता है, इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस भी हैं। अब उस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। देखिए केस नंबर वन क्या है, अगर लाप्लास ऑफ वन रखते हैं, वन लेते हैं, ठीक है। सो क्या आएगा, लाप्लास ऑफ t की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो फैक्टोरियल अपॉन s इक्वल्स टू वन अपॉन s। ओके, ये आएगा लाप्लास ऑफ वन का, मतलब t की पावर ज़ीरो किस कोई भी नंबर है, जैसे x है, x की पावर ज़ीरो, सो वो क्या हो गया, वन हो गया। वैसे ही t की पावर ज़ीरो है और इसका लाप्लास, सो लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t की पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो फैक्टोरियल अपॉन s इक्वल्स टू वन अपॉन s। ओके, सेकेंड केस क्या है कि अगर लाप्लास ऑफ t है, ओके, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वेयर। ओके, मतलब हमने n की जगह पर वन पुट कर दिया। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ t की पावर n। सो हम यहाँ पर n की जगह पर वन हमने पुट कर दिया, तो लाप्लास ऑफ t किसके इक्वल हो गया, वन फैक्टोरियल, n की जगह पर वन, सो वन फैक्टोरियल अपॉन s, n की जगह पर वन प्लस वन टू, सो s की पावर टू आ गया। ये सेकेंड पर्टिकुलर केस है, ठीक है। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं। सो देखिए लाप्लास ऑफ t की पावर टू, अगर हम लोग n की वैल्यू टू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टू फैक्टोरियल अपॉन s की पावर थ्री। फॉर्मूला यही है, इसमें हम लोग बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, n की जगह पर टू पुट किया। सो यहाँ क्या हो गया, n टू फैक्टोरियल अपॉन s की पावर थ्री। थ्री कैसे हुआ, n की वैल्यू टू है, टू प्लस वन इज थ्री, सो यहाँ आ गया टू फैक्टोरियल s की पावर थ्री। ओके, ऐसे ही आप लोग t की पावर थ्री के लिए भी निकाल सकते हैं, t की पावर फोर के लिए भी। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर e की पावर 80 है, e की पावर 80। सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है ना, ये फॉर्मूला है। अब एफ टी की जगह पर क्या दिया है, e की पावर 80 दिया है फंक्शन। ओके, फंक्शन की वैल्यू है e की पावर 80। सो लाप्लास ऑफ e की पावर 80 किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो से इन्फिनिटी। जहाँ पर एफ टी है वहाँ पर ई की पावर 80 पुट कर देंगे। सो ई की पावर -ST, यहाँ पर एफ टी है सो ई की पावर 80 रख दिया, dt आ गया। ओके देखिए अब क्या करेंगे, ज़ीरो से इन्फिनिटी एज इट इज़ लिख दिया, ई की पावर यहाँ -ST है यहाँ 80 है सो माइनस कॉमन ले लिया, s माइनस ए इंटू टी फिर यहाँ लिख दिया dt। ओके देखिए अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं सो हमें क्या मिलेगा, माइनस एस माइनस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो -1/s - a ऐसे आ गया, e की पावर -s - a t। ओके और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो से इन्फिनिटी। ओके लिमिट ज़ीरो से इन्फिनिटी दी है सो ज़ीरो से इन्फिनिटी आ गया ब्रैकेट में। फिर देखिए -1/s - a एज इट इज़ रहा, यहाँ e की पावर यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी दिया है सो t की जगह पर जब इन्फिनिटी रखेंगे सो यहाँ पर क्या आएगा, -इन्फिनिटी। सो अगर e की पावर -इन्फिनिटी हो, e की पावर -इन्फिनिटी सो क्या होता है 1/e∞, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1/e∞ ज़ीरो होता है। ठीक है सो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। फिर t की जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो e की पावर ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। ओके सो अब क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, ये -1/s - a और ये -1 सो माइनस प्लस सो 1/s - a ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके और यहाँ पर ये जो s है वो बड़ा किससे है, a से। ओके s इज़ ग्रेटर देन a, या तो s इज़ ग्रेटर देन 0। ओके क्लियर। सो हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े, 2 एग्जाम्पल लगाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चंस करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो सो यू कैन राइट एंड कमेंट, आई विल मस्ट रिप्लाई। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।